इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां तत्कालीन थाना प्रभारी और रिटायर्ड डीएसपी को सिरमौर न्यायालय ने 6 माह की सजा और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लगभग 20 वर्ष पहले बैकुंठपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी खुर्शीद खान और 2 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि रामायण प्रसाद गौतम निवासी बैकुंठपुर के घर में घुसकर मारपीट की गई थी। पीड़ित के द्वारा न्यायालय में इस्तगासा लगाया गया था। पीड़ित का मामला न्यायालय पहुंचा, जिसमें अहम फैसला आया है। पीड़ित की माने तो उसके साथ लूट और चाकू मारने की घटना घटित हुई थी। उक्त मामले में न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्शीद खान और 2 अन्य को दोषी मानते हुए 6-6 माह की सजा और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही सिरमौर में हलचल मच गई है। संध्या शुक्ला जी, मैडम रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी भैया, ये भी फैसला आया है सिरमौर न्यायालय से। जी जी, तो शायद एक पक्ष से आप कुछ पैरवी की थी, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहे, पूछना चाह रहे, जानना चाह रहे थे थोड़ा क्या फैसला हुआ, कैसा मामला था। ये एक परिवार चल रहा था गौतम विरुद्ध खुर्शीद खान वगैरह के नाम से जी। हाँ, तो इसमें 452, 324, 526 का मुकदमा था जी। तो हाँ, जिनकी तरफ से मैं थी, संध्या शुक्ला अशोक शुक्ला की तरफ से थी जी। तो वो दोष मुक्त हुए हैं जी। और बाकी खुर्शीद खान और एक श्रीनिवास और एक और था श्रीधर जी। हाँ, श्रीधर और एक प्रमोद गौतम जी। हाँ, तो इनको सजा हुई है। कितने सजा जी? 452, 324 में सजा हुई है खुर्शीद खान और इनको, तीनों को जिनका नाम बताई। कितने वर्ष की सजा हुई है मैडम? इसमें 1 वर्ष के साथ छह माह की हुई है। वो दोनों को इकट्ठा करके बताए हैं जी। जी, 6-6 माह की सजा हुई है। हाँ जी, तो क्या आरोप था मैडम इनके ऊपर, क्या आरोप था? 452 और 324 का मारपीट का था इनके अंदर। और हाँ, 452, 324। ये खुर्शीद खान तत्कालीन थाना प्रभारी है बैकुंठपुर। हाँ, जी, पता है ना? जी जी, हाँ ठीक है मैडम, ठीक। हाँ ठीक जी।